मंगल मूर्ति मिट्टी गणेशा आइडल गरीब सेलर। अंधेरी नामक गांव में चौहान नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। चौहान को पत्नी और लक्की नाम का एक बेटा था। चौहान घर के पास मूर्तियां बनाकर बेचता था। देवी देवताओं के मूर्तियों के साथ साथ नेताओं के मूर्तियां भी बनाता था। गणेश चतुर्थी के समय घर के पास गणेश जी के मिट्टी के मूर्तियां बनाता था। त्योहार के थोड़े दिन पहले बैलगाड़ियों पे मिट्टी को लाकर घर के सामने डालता था। बाद में उस मिट्टी से सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां बनाता था। छोटे और बड़े आकारों में भी मूर्तियां बनाता था। त्योहार के एक दिन पहले उन्हें ग्राहक खरीद कर ले जाते थे। बड़े मूर्तियों को ट्रक पे या ऑटो ट्रॉलियों पे लेकर जाते थे। पड़ोस गांव वाले भी आकर वहां पर मूर्ति खरीद कर ट्रकों पे ले जाते थे। पिता को बहुत मेहनत करते देखकर भी उसका बेटा लकी बिना कोई जिम्मेदारी के फिरता रहता था। जुआ खेलना, दारू पीना, पैसे खत्म होने के बाद पिता से पैसे पूछने के अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करता था। एक बार गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से आया। चौहान घर के पास मूर्तियों को तैयार करने लगा। तब एक महंगी गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उस गाड़ी में से उसका बेटा लकी और थोड़े लोग उतरकर चौहान के पास आए। लकी तब, पिताजी ये लोग शहर में एक बड़ा बिजनेस चलाते हैं। शहर में इनके बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं। मुझे एक फ्रेंड के द्वारा ये मिले। सर ये मेरे पिताजी हैं। कहकर उन्हें पिताजी का परिचय करवाया। वो लोग चौहान को नमस्कार किए। उनमें से एक, चौहान जी हम हर साल हमारे कंपनी के शाखाओं में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर बार हमें गणेश जी की मूर्तियां सप्लाई करने वाले देशमुख से इस बार छोटा झगड़ा हुआ। वो लालच के चलते बहुत ज्यादा पैसे पूछ रहा था। बात पैसों की नहीं है, मगर उसके पूछने का ढंग हमें पसंद नहीं आया। ऐसे लग रहा था जैसे वो हमें धमका रहा हो, इसलिए इस बार हम उसके पास से मूर्तियां नहीं खरीदना चाह रहे थे। इतने में आप मूर्तियां बनाते हैं कहकर पता चल के आपके पास आए हैं। हमारे पूरे 4 शाखाएं हैं, इसलिए हमें 4 बड़े मूर्तियां चाहिए। आपको कितने पैसे चाहिए पूछिए। कहा, इससे चौहान खुशी से फूले ना समाया और, बेटा क्या ये सच है? सच में हमारे मूर्तियां खरीदेंगे? कितनी अच्छी बात बोले। आप उसे कितने पैसे देना चाहते थे उतने ही पैसे दीजिए, बस है। कहा, वो ठीक है कहकर पैसे देकर, ये एडवांस है, बाकी के पैसे मैं मूर्तियों को लेते वक्त दूंगा। कहा। उनके जाने के बाद चौहान, बेटा लकी कितना अच्छा काम किए बेटा। क्या सच में तुम्हारे दोस्तों में इतने बड़े बड़े लोग हैं? खुशी की बात है बेटा। कहा लकी तब, मैंने आपके लिए इतना अच्छा गिराक लाया ना, मेरे लिए कुछ नहीं है क्या? पूछा चौहान तब, ये लो बेटा कहकर उसे 2000 रुपए दिया। ऐसे चौहान बहुत मेहनत करके 4 बड़े मूर्तियां बनाया। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले नींद नहीं आने के कारण चौहान घर के बाहर आया। तब वहां पर उसका बेटा और उस दिन जो मूर्ति को खरीदने आए थे वो लोग भी एक मूर्ति के पीछे कुछ करते हुए दिखे। चौहान को अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देने के कारण, ए कौन है, कौन है वहाँ? कहकर पुकारा। उससे वो लोग घबरा गए। लकी तब, पिताजी मैं हूँ, उस दिन मूर्ति खरीदने आए थे ना, वो लोग ही है, मूर्ति लेने के लिए आए हैं। कहा चौहान तब, सुबह आएंगे बोले थे ना, ऐसे आधी रात को क्यों आए? कहकर पूछा एक तब, वो कुछ नहीं जी, सुबह ट्रैफिक बहुत होगा ना, इसलिए अभी ले जाने के लिए आए हैं। वैसे मूर्ति कैसी है कहकर देखने के लिए आए थे। ठीक है जी, कल सुबह लेकर जाएंगे। कहकर कार में चले गए। चौहान और लकी घर में आकर सो गए। अगले दिन सुबह वो लोग आकर चौहान को पैसे देकर चार मूर्तियों को ट्रकों में रखकर लेकर चले गए। रास्ते में चेक पोस्ट आया, पुलिस वाले ट्रक को रोके।
एकदम। क्या सर, क्यों रोके? गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियां ले जा रहे हैं, चाहो तो चेक कीजिए। कहा ऐसे तब, आहा, उस भगवान पे कितनी श्रद्धा है आपको। मूर्ति ले जाना गलत बात नहीं है, मगर उस मूर्ति के अंदर सोना, पैसे और हीरों को छिपा कर ले जा रहे हो ना, ये बड़ी गलत बात है। कहा तब वो, क्या सर, अब क्या बात कर रहे हैं, हम चोर दिखते हैं क्या? कहा ऐसे तब, हाँ भाई, आप लोग सच में चोर नहीं हो, डाकू हो। तुम गब्बर सिंह कहकर मुझे पता नहीं चलेगा सोचे थे क्या? चोरी के माल को शहर ले जाने के लिए वो बेचारा बेवड़ा लकी आपको मिला ना, उसे पैसों का लालच दिखाकर उसके पिता से मूर्तियां बनवाकर उसमें सोना छिपा कर ले जा रहे हो। ये सब हमें कैसे पता चला सोच रहे हो क्या? उस चौहान ने ही हमें फोन करके बताया। कहा इतने में चौहान और लकी वहाँ पर आए। पुलिस वाले उन मूर्तियों में से पैसे, हीरे और सोना बाहर निकाले। चौहान तब, सर, ये लोग आधी रात को मूर्तियों के पास दिखे तो मुझे शक हुआ था, इसलिए इनके जाने के बाद मूर्तियों में ढूंढा, तभी मुझे इनके प्लान के बारे में समझ आ गया। इनसे हाथ मिलाने के जुर्म पे मेरे बेटे को भी मत छोड़िए सर। कहा ऐसे वो सब जेल में डाले गए।